श्रवण एवं मनन रूप ज्ञान। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं संसार रूप अज्ञान जनित बंधन से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करता हूं। ये आत्मा परम ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूं। यह आत्मा परम ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा निश्चय हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। घट आदि वस्तुओं की भांति यदि देह ही आत्मा होता तो सोने या मरने के बाद भी पूर्ववत व्यवहार करता। आत्मा के अविकारी आदि विशेषणों के समान विशेषण से युक्त निर्विकार रूप में प्रतीत होता। नेत्र आदि इंद्रियां भी आत्मा नहीं है क्योंकि वे करण है। यही हाल मन का और बुद्धि का भी है, वे भी दीपक की भांति प्रकाश के करण है, अतः आत्मा नहीं हो सकते। प्राण भी आत्मा नहीं है क्योंकि सुषुप्तावस्था में उस पर जड़ता का प्रभाव रहता है। जागृत और सपनावस्था में प्राण के साथ चैतन्य मिलासा रहता है, इसलिए उसका पृथक बोध नहीं होता, परंतु सुषुप्तावस्था में प्राण विज्ञान रहित है। ये बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है। अतएव आत्मा इंद्रिय आदि रूप नहीं है, ये बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है। अतएव आत्मा इंद्रिय आदि रूप नहीं है, इंद्रिय आदि आत्मा के कारण मात्र हैं। अहंकार भी आत्मा नहीं है क्योंकि देह की भांति वो भी आत्मा से पृथक उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त देह आदि से भिन्न ये आत्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। ये रात में जलते हुए दीपक की भांति सबका दृष्टा और भोक्ता है। समाधि के आरंभ काल में मुनि को इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तथा पृथ्वी से सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है। अपंचीकृत भूतों से पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति हुई है। फिर स्थूल शरीर का ध्यान करके ब्रह्म में उसके लय होने की भावना करें। पंजीकृत भूत तथा उनके कार्यों को विराट कहते हैं। आत्मा का वो स्थूल शरीर अज्ञान से कल्पित है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे धीर पुरुष जागृत अवस्था मानते हैं। जागृत के अभिमानी आत्मा का नाम विश्व है। ये इंद्रिय विज्ञान जागृत अवस्था और उसके अभिमानी देवता तीनों प्रणव की प्रथम मात्रा अकार स्वरूप है। अपंचीकृत भूत और उसके कार्य को लिंग कहा गया है। 17 तत्वों, 10 इंद्रिय, पंच तन्मात्रा और मन और बुद्धि से युक्त जो आत्मा का सूक्ष्म शरीर है जिसे हिरणगर्भ नाम दिया गया है उसी को लिंग कहते हैं। जागृत अवस्था के संस्कार से उत्पन्न विषयों की प्रतीति को स्वप्न कहा गया है। उसका अभिमानी आत्मा तेजस नाम से प्रसिद्ध है। वो जागृत के प्रपंच से पृथक तथा प्रणव की दूसरी मात्रा उकार रूप है। स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का एक ही कारण है आत्मा। आभास युक्त ज्ञान को अध्याहृत ज्ञान कहते हैं। इन अवस्थाओं का साक्षी ब्रह्म न सत है, न असत, न सदसत रूप ही है। वो न तो अवयव युक्त है और न अवयव से रहित, न भिन्न है न अभिन्न, भिन्नाभिन्न रूप भी नहीं है। वो सर्वथा अनिर्वचनीय है। इस बंधन भूत संसार की सृष्टि करने वाला भी वही है। ब्रह्म एक है और केवल ज्ञान से प्राप्त होता है, कर्मों द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। जब ब्रह्म ज्ञान के साधन भूत इंद्रियों का सर्वथा लय हो जाता है, केवल बुद्धि की ही स्थिति रहती है, उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। बुद्धि और सुषुप्ति दोनों के अभिमानी आत्मा का नाम प्राज्ञ है। ये तीनों मकार एवं प्रणव रूप माने गए हैं। ये प्राज्ञ ही अकार, उकार और मकार स्वरूप है। अहम पद का लक्षार्थ भूत चित्त स्वरूप आत्मा इन जागृत और स्वप्न आदि अवस्थाओं का साक्षी है। उसमें अज्ञान उसके कार्यभूत संसारादिक बंधन नहीं है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद एवं अद्वैत स्वरूप ब्रह्म हूं। मैं ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं, सर्वथा मुक्त हूं। प्रणव वाच्य परमेश्वर हूं। मैं ज्ञान एवं समाधि रूप हूं। मैं ही ज्ञान एवं समाधि रूप ब्रह्म हूं। बंधन का नाश करने वाला भी मैं ही हूं। चिरंतन आनंदमय सत्य ज्ञान और अनंत आदि नामों से लक्षित परम ब्रह्म मैं ही हूं। ये आत्मा परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म तुम हो। इस प्रकार गुरु द्वारा बोध कराए जाने पर जीव ये अनुभव करता है कि मैं इस देह से विलक्षण परम ब्रह्म हूं। वो जो सूर्य मंडल में प्रकाशमय पुरुष है वो मैं ही हूं। मैं ही ओमकार तथा अखंड परमेश्वर हूं। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला पुरुष इस असार संसार से मुक्त होकर ब्रह्म रूप हो जाता है। निधिध्यासन रूप ज्ञान। अग्निदेव कहते हैं,
ब्रह्मन, मैं पृथ्वी, जल और अग्नि से रहित स्वप्रकाश में परम ब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाश से विलक्षण, ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं कारण और कार्य से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं विराट स्वरूप स्थूल ब्रह्मांड से पृथक ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जागृत अवस्था से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं विश्व रूप से विलक्षण ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं आकार अक्षर से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं वाक, पाणी और चरण से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं पायु, गुदा और उपस्थ, लिंग या योनि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं कान, त्वचा और नेत्र से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं रस और रूप से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सब प्रकार की गंधों से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा और नासिका से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं स्पर्श और शब्द से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं मन और बुद्धि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं चित्त और अहंकार से वर्जित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं प्राण और अपान से पृथक ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदान से विलग ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं समान नामक वायु से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जरा और मृत्यु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं शोक और मोह की पहुँच से दूर ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं क्षुधा और पिपासा से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं शब्दोत्पत्ति आदि से वर्जित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं हिरण्य गर्भ से विलक्षण ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं स्वप्नावस्था से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं तेजस आदि से पृथक ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं अपकार आदि से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं समाज्ञान से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं अध्याहार से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सत्वादि गुणों से विलक्षण ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सत्व सद्भाव से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सब अवयवों से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं भेदाभेद से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सुषुप्तावस्था में शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं प्राज्ञ भाव से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं मकारादि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं माम और मेय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं मीति, माप और माता, माप करने वाली से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं साक्षित्व आदि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं कार्य कारण से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार रहित तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि से मुक्त तुरीय ब्रह्म हूँ। मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनंद और अद्वैत रूप ब्रह्म हूँ। मैं विज्ञान युक्त ब्रह्म हूँ। मैं सर्वथा मुक्त और प्राण प्रणव। मैं सर्वथा मुक्त और प्रणव रूप हूँ। मैं सर्वथा मुक्त और प्रणव रूप हूँ। मैं ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ और मोक्ष देने वाला समाधि रूप परमात्मा भी मैं ही हूँ। भगवत स्वरूप का वर्णन तथा ब्रह्म भाव की प्राप्ति का उपाय। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, धर्मात्मा पुरुष यज्ञ के द्वारा देवताओं को, तपस्या द्वारा विराट के पद को, कर्म के संन्यास द्वारा ब्रह्म पद को, वैराग्य से प्रकृति में लय को और ज्ञान से कैवल्य पद मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 5 गतियां मानी गई। प्रसन्नता, संताप और विषाद आदि से निवृत्त होना वैराग्य है। जो कर्म किए जा चुके हैं तथा जो अभी नहीं किए गए, उन सब की आसक्ति, फलेच्छा और संकल्प का परित्याग संन्यास कहलाता है। ऐसा हो जाने पर अव्यक्त से लेकर विशेष पर्यंत सभी पदार्थों के प्रति अपने मन में कोई विकार नहीं रह जाता। जड़ और चेतन की भिन्नता का ज्ञान विवेक होने से ही परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति बतलाई जाती है। परमात्मा सबके आधार हैं, वे ही परमेश्वर हैं। वेदों और वेदांतों, उपनिषदों में विष्णु नाम से उनका यशोगान किया जाता है। वे यज्ञों के स्वामी हैं। प्रवृत्ति मार्ग से चलने वाले लोग यज्ञ पुरुष के रूप में उनका यजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। हरस्व, दीर्घ और प्लुत आदि वचन उन पुरुषोत्तम के ही स्वरूप। महामुने, उनकी प्राप्ति के 2 हेतु बताए गए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान 2 प्रकार का है, आगमजन्य और विवेकजन्य। शब्द ब्रह्म, वेदादि शास्त्र और प्रणव का बोध आगमजन्य है तथा परम ब्रह्म का ज्ञान
विवेकजन्य ज्ञान है। ब्रह्म दो प्रकार से जानने योग्य है, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। वेदादि विद्या को शब्द ब्रह्म या अपर ब्रह्म कहते हैं और सत्व स्वरूप अक्षर तत्व परम ब्रह्म कहलाता है। यह परम ब्रह्म ही भगवत शब्द का मुख्य वाच्यार्थ है। पूजा, सम्मान आदि अन्य अर्थों में जो उसका प्रयोग होता है वो औपचारिक गौण है। महामुने, भगवत शब्द में जो भकार है उसके दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार का अर्थ है नेता। कर्मफल की प्राप्ति कराने वाला, गमयिता प्रेरक और सृष्टा सृष्टि करने वाला। संपूर्ण ऐश्वर्य पराक्रम अथवा धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। विष्णु में संपूर्ण भूत निवास करते हैं। वे भगवान सबके धारक तथा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों रूप में विराजमान है। अतः श्री हरि में ही भगवान पद मुख्य वृत्ति से विद्यमान है। अन्य किसी के लिए तो उसका उपचार गौण वृत्ति से ही प्रयोग होता है, जो संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति विनाश आवागमन तथा विद्या अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य दुर्गुण आदि को छोड़कर संपूर्ण ज्ञान शक्ति परम ऐश्वर्य वीर्य तथा समग्र तेज, ये भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। पूर्व काल में राजा केशवध्वज ने खांडिक के जनक से इस प्रकार उपदेश किया था। अनात्मा में जो आत्मबुद्धि होती है, उसके स्वरूप की भावना होती है, वही अविद्या जनित संसार बंधन का कारण है। इस अज्ञान की अहंता और ममता दो रूपों में स्थित है। देहाभिमानी जीव मोहांधकार से आच्छादित हो कुत्सित बुद्धि के कारण इस पांच भौतिक शरीर में ये दृढ़ भावना कर लेता है कि मैं ही ये देह हूँ। इस पांच भौतिक शरीर में ये दृढ़ भावना कर लेता है कि मैं ही ये देह हूँ। इसी प्रकार इस शरीर से उत्पन्न किए हुए पुत्र पौत्र आदि में ये मेरे हैं, ऐसे निश्चित धारणा बना लेता है। विद्वान पुरुष अनात्म भूत शरीर में समभाव रखता है, उसके प्रति वो राग द्वेष के वशीभूत नहीं होता। मनुष्य अपने शरीर की भलाई के लिए ही सारे कार्य करता है, किंतु जब पुरुष से शरीर भिन्न है तो वो सारा कर्म केवल बंधन का ही कारण होता है। वास्तव में तो आत्मा निर्वाणमय शांत ज्ञानमय तथा निर्मल है। दुखानुभव रूप जो धर्म है वो प्रकृति का है, आत्मा का नहीं। जैसे जल स्वयं तो अग्नि से असंग है, किंतु आग पर रखी हुई भटलोई के संसर्ग से उसमें ताप जनित खलखलाहट आदि के शब्द होते हैं। महामुने, इसी प्रकार आत्मा भी प्रकृति के संग से अहंता ममता आदि दोष स्वीकार करके प्राकृत धर्मों को ग्रहण करता है। वास्तव में तो वो उनसे सर्वथा भिन्न और अविनाशी है। विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन का कारण होता है। वही जब विषयों से निवृत्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। अतः मन को विषयों से हटाकर ब्रह्म स्वरूप श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए। मुने, जैसे चुंबक पत्थर लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म का ध्यान करता है उसे वो ब्रह्म अपनी ही शक्ति से अपने स्वरूप में मिला लेता है। अपने प्रयत्न की अपेक्षा से जो मन की विशिष्ट गति होती है उसका ब्रह्म से संयोग होना है, योग कहलाता है। अपने प्रयत्न की अपेक्षा से जो मन की विशिष्ट गति होती है उसका ब्रह्म से संयोग होना ही योग कहलाता है। जो पुरुष स्थिर भाव से समाधि में स्थित होता है वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणजय, प्राणायाम, इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाने तथा उन्हें अपने वश में करने आदि उपायों के द्वारा चित्त को किसी शुभ आश्रय में स्थापित करें। ब्रह्म ही चित्त का शुभ आश्रय है। वो मूर्त और अमूर्त रूप से दो प्रकार का है। सनक, सनंदन आदि मुनि ब्रह्म भावना से युक्त हैं तथा देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी कर्म भावना से युक्त हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्म आदि में ब्रह्म भावना और कर्म भावना दोनों ही हैं। इस तरह ये तीन प्रकार की भावना बताई गई है। संपूर्ण विश्व ब्रह्म है, इस भाव से ब्रह्म की उपासना की जाती है। जहां सब वेद शांत हो जाते हैं, जो सत्ता मात्र और वाणी का अगोचर है तथा जिसे स्वयं सवेद स्वयं ही अनुभव करने योग्य माना गया है, वही ब्रह्म ज्ञान है। वही रूपहीन विष्णु का उत्कृष्ट स्वरूप है, जो अजन्मा और अविनाशी है। अमूर्त रूप का ध्यान पहले कठिन होता है, अतः मूर्त आदि का ही चिंतन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवत द्वाव को प्राप्त हो परमात्मा के साथ एकीभूत अभिन्न हो जाता है। भेद की प्रतीति तो अज्ञान से ही होती है।